देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नीट का पेपर रद्द हो सकता है। शिक्षा मंत्री के स्तर पर लेना है फैसला। नीट का पेपर लीक हुआ है और एनटीए ने नीट की परीक्षा ली थी और अब यह खबर सामने आ रही है कि नीट का जो पेपर हुआ था वो रद्द किया जा सकता है, यानी कि ये जो एग्जाम लिए गए थे वो कैंसिल हो सकता है। शिक्षा मंत्री के स्तर पर फैसला लेना है। नीट का पेपर लीक हुआ था, एनटीए ने नीट की परीक्षा ली थी। अब एनटीए को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि एनटीए एक फेल मॉडल है, इस तरीके की बात सामने आ रही है। और ऐसे में न्यूज 18 से बोले धर्मेंद्र प्रधान, सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार आपकी है, आपके साथ सरकार खड़ी है और किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पटना में कुछ गड़बड़ी सामने आई थी, बिहार पुलिस ने पकड़ा है उनको, एक दो दिन में निर्णायक स्थिति आ जाएगी। प्रजातंत्र में उंगली उठाने से नहीं होता, लोगों की स्थिति को मैं समझता हूं। एक ही निवेदन करूंगा, आप भरोसा रखिए, एक भी छात्र पर असर नहीं होगा। ये बात कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं। मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इज विद अस। सर, आपने वादा किया था कि कार्रवाई होगी और अभी सीबीआई ने केस भी रजिस्टर किया नेट मामले में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग का केस लगाया गया। क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट से जो लगातार इस खबर पे अपनी नजर बनाए हुए? देखिए, मैं भारत की शिक्षा विभाग की दायित्वधारी के नाते मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, देश की विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये सरकार आप ही के हैं। सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है, सरकार मेरिटियस विद्यार्थियों के साथ खड़ा है, सरकार विश्वास जन्माना चाहती है कि हम कोई भी गड़बड़ी को टॉलरेट नहीं करेंगे, आप भरोसा रखिए। पर आपका ये कहना कि आप आश्वासन देना चाहते हैं स्टूडेंट से, स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं सर कि इस तरह की चूक कैसे हुई, कहाँ हुई? बिहार का भी मामला सामने आ रहा है, वहां पे भी आपकी सरकार है, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं इस पे। देखिए, एक घटना की तो हमने सीबीआई इंक्वायरी जिसकी जोड़ा बड़ा रैमिफिकेशन है, भारत की कोई परीक्षा प्रणाली डार्क नेट में चला जाए ये गहन अध्ययन की बात है। कौन है उसके लिए जिम्मेवार, कौन से माफिया लोग उसके पीछे हैं, कौन गुनेगार है, अंदरूनी लोग कौन गुनेगार है, इसको सारे को ढूंढा जाएगा। बाकी नीट को लेके जो कुछ विसंगति आई तो मूलतः आई थी ग्रेस मार्क की, ये कोई विसंगति नहीं था, उसको एक प्रोसीजरियल इंटरप्रिटेशन के कारण कुछ विद्यार्थियों को मन में रोष आई, कुछों को कैसे ग्रेस मार्क मिल गया। उसके ऊपर भी फिर जब तहकीकात हुई, जब फिर एक्सपर्ट कमेटी बैठी, फिर री एग्जामिनेशन की बात हो गई। पटना में गड़बड़ी की कुछ अनामोलिस की ध्यान आई, उसको बिहार पुलिस ने पकड़ भी लिया है, सही समय पकड़ा है, गिरफ्तारियां हुई है, इंक्वायरी चल रही है, सारा विषय स्पष्ट हो रहा है और एक दो दिनों में और निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएंगे। सर, अभी जो बातें सामने आ रही है उसको लेकर के बहुत सारी राजनीति भी चल रही, राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं, पर आपका ये कहना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं देश का शिक्षा मंत्री हूँ, ये आपको लगता है आश्वस्त करेगा स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को खास करके? देखिए, मैं एक पेरेंट हूँ, मैं दायित्व में हूँ, प्रजातंत्र में लोगों ने हमें भरोसा किया है, मेरे प्रधानमंत्री को भरोसा किया है, ये प्रजातंत्र है, मेरे को दायित्व तो लेना ही पड़ेगा। प्रजातंत्र में सिर्फ उंगली उठाने से नहीं होता है दायित्व लेने, हम लोग दायित्व लेने वाले, हमने पिछले 10 साल में अथक परिश्रम किया, आखिर इस देश में पब्लिक एग्जामिनेशन में चीटिंग का प्रिवेंशन की कानून हमने ही बनाया, हम दायित्व लेने वाले लोग हैं, हम विश्वास जन्माते हैं, हम भरोसा रखते हैं। सर, बहुत सारे लोग सॉरी इस प्रकार की इस अभी लोगों के मन में जो स्थिति है मैं उसको समझता हूं, इसलिए मैं आज के दिनों में एक ही निवेदन करूंगा, आप भरोसा रखिए, एक भी विद्यार्थी के हितों को समझौते में नहीं डालेंगे। सर, कई लोगों ने जो नेट एनएफटी उसके सवाल पे भी पूछे हैं, नेट के सवाल पे और बाकी सब प्रक्रिया पे भी, आपने थोड़ी देर पहले बताया कि एक हाई पावर्ड कमेटी भी सेटअप की जाएगी, उसमें कौन लोग रहेंगे, उनका कब तक टाइम बाउंड कुछ उनका मैंडेट होगा करने का कुछ काम? देखिए, पिछले 6 सालों में देश की इस प्रकार की परीक्षाओं को एनटीए करता है, एनटीए को आधुनिक बनाना है, एनटीए को प्रोग्रेसिव बनाना है, एनटीए में इंटरनल रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है। इस बार जो परीक्षा हुए उसमें से कुछ विषय को और उजागर किया है, एक ऑटोनोमस बॉडी होने के नाते उनकी जैसे अकाउंटेबिलिटी, जैसे ट्रांसपेरेंसी और आनी चाहिए, उसको ध्यान देना ही पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने तय किया है एक कमिटी बनाई जाएगी,
विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाएगी, एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाएगी, समाज जीवन के प्रमुख लोग उसमें आएंगे और एक पारदर्शी तरीके से चीजों को उन्होंने रेकमेंड करेंगे। एनटीए की स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग, उनकी एग्जामिनेशन प्रोसेस, उनकी डाटा मैनेजमेंट, उनकी ट्रांसपेरेंसी, ये सारे विषय को अकाउंटेबिलिटी और बढ़े, इस प्रकार की रिकमेंडेशन जल्द ही सरकार उसकी मैंडेट और कमेटी की समूहों को घोषित करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि राहुल गांधी ने कटाक्ष करा है आपकी सरकार के ऊपर, लगातार वो प्रहार करते हैं आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा पे, और बहुत सारे लोग भी पूछ रहे हैं, विपक्ष में भी कई लोग हैं जो आपके मित्र हैं, वो पेरेंट्स भी, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिये, मैं आज अभिभावक के नाते, एजुकेशन मंत्री के नाते मेरा पहला चिंता है मेरे विद्यार्थियों को मैं ऐसे भी कुछ ना प्रभोग करूं, ना कहूं कोई अफवाह, कोई भ्रमात्मक या कोई उत्तेजना की बात ना कहूं कि जो उनके मन को प्रभावित करे, जो उनको निष्पक्षता से दूर ले जाए। मेरे दायित्व है सबको निवेदन करना, आप भरोसा रखिए ठीक होगा। वेल ऑफ कोर्स अ वेरी अशोरिंग स्टेटमेंट कमिंग इन फ्रॉम द एजुकेशन मिनिस्टर, क्लियरली सेइंग भरोसा रखिए आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, एंड दैट इज प्रॉब्ली समथिंग विच एक्चुअली विल होल्ड फोर्स फॉर कमिंग फ्यू डेज विद द फैक्ट दैट द ऑपोजिशन हैज कम हैमर एंड टोंग्स एट द गवर्नमेंट विद विनिजन। नीट पेपर लीक मामला, आरोपियों की जमानत पर सुनवाई आज। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हैं आरोपी, एक आरोपी ने अग्रिम जमानत दायर की है और पेपर लीक में 13 आरोपी गिरफ्तार हैं। शास्त्री नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था इनको, तो आपको बताते चलें कि आज सुनवाई होनी है और जो गिरफ्तार है वो बेउर जेल में बंद है सभी आरोपी। आपको बताते चलें कि पटना में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश 5 की अदालत में आज सुनवाई होनी है और जमानत याचिका को लेकर के आज सुनवाई होगी। और ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए नीट पेपर लीक मामले में क्या कुछ अपडेट है वो आपसे जानना चाहेंगे, आज सुनवाई भी होनी है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं? देखिए, आज बिल्कुल ये सुनवाई होनी है और थोड़ी देर में जब बेंच बैठेगा अपर मुख्य न्यायाधीश 5 के अदालत में ये सुनवाई होनी है, तो जैसे ही न्यायाधीश बेंच पे बैठेंगे तो उसके बाद ये सुनवाई जो है वो शुरू हो सकती है और कहा जा रहा है कि पहले हाफ में ही, यानी कि फर्स्ट हाफ में ही जो है वो सुनवाई होगी। और सुनवाई के दौरान जो 13 आरोपी समेत एक अन्य है संजीव कुमार, उन्होंने भी जो अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, एंटी सेक्रेटरी बिल लगाया है, उस पर भी सुनवाई होगी। और सुनवाई के बाद कोर्ट क्या निर्णय लेता है ये बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे पहले भी ये तमाम 13 आरोपी जिन्हें शास्त्री नगर पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था, जिन्होंने अपना गुनाह भी स्वीकारा है, कबूल किया है, जिसे लगातार न्यूज 18 ने दिखाया भी है, सबसे पहले दिखाया, और उन तमाम आरोपियों की आज जो है जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। तो कोर्ट क्या निर्णय लेता है ये अहम होगा, क्योंकि इससे पहले जब इन लोगों ने जमानत याचिका लगाई थी तो कोर्ट ने जो है खारिज किया था, उसके बाद अपर मुख्य न्यायाधीश जो है 5 के अदालत में इन लोगों ने दरवाजा खटखटाया है, जिसके पे आज सुनवाई होगी। तो इस पर एक नजर होगी हमारी और हम दर्शकों को बताएंगे भी, पल-पल का अपडेट भी पहुंचाएंगे कि क्या आज कोर्ट ने निर्णय लिया है, क्या इन लोगों को राहत मिली। बिल्कुल अपडेट देंगे दर्शकों को अमित। तो देखिए, जब से नीट का रिजल्ट आउट हुआ तब से लेकर के पूरे देश भर में हंगामा हुआ, प्रदर्शन जारी है अभी भी। लेकिन देखिए, इस बीच शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सभी को आश्वस्त करते हुए कहा है कि चिंता करने वाली बात नहीं है, इसका असर जो है वो बच्चों पर नहीं पड़ेगा। तो क्या शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद इसका असर देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे अहम बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वह बेहद सुलझे हुए नेता हैं और अपने विभाग की जिम्मेदारियों को वो बखूबी मानते हैं और उसका निर्वहन भी करते हैं। इस मामले को लेकर के जब ईओयू जांच कर रही है तो ईओयू के जो शीर्ष अधिकारी हैं एडीजी नैयर हसनैन खान, उन्होंने जो है धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली बुलाया और उसके बाद ये अब तक के जो अनुसंधान हुए थे सारे पेपर लेकर करके कल दोपहर बाद जो है वो दिल्ली पहुंचे और वहां पहुंच करके धर्मेंद्र प्रधान से जो है उनकी मुलाकात हुई। उनके इस मुलाकात के दौरान जो है एनटीए के एक शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे, जो हमारे आला अधिकारी जो हैं पुलिस सोर्सेज जो हैं वो पुख्ता जानकारी जो उनके तरफ से जो दी गई है या इससे पहले भी जो जानकारी उन्होंने दी है वो पुख्ता रही है। तो इस पर हम भरोसा यकीन कर सकते हैं कि
ये मुलाकात के दौरान जो है वो एनडीए के एक शीर्ष अधिकारी भी वहाँ बैठे थे और पूरी जो मामला है अब तक का पेपर लीक का मामला उससे अनुसंधान से जुड़ी हुई हर बारीकियों को धर्मेंद्र प्रधान ने समझा और समझने के बाद उन्होंने ये भरोसा दिया है कि निश्चित तौर पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया दिया जाएगा और जो भी गुनहगार हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे, उन पर कार्रवाइयाँ की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने जिम्मेवारी भी ली है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस बात की जिम्मेवारी ली कि पेपर जो है वो उसमें गड़बड़ियाँ लीक हुआ है और अब उसे सुधारने की दिशा में एक बेहतर टीम का जो है वो गठन किया जाएगा और एनटीए का विश्वसनीयता जो है वो आगे बरकरार रखे इस दिशा में सरकार कदम उठाएगी। लेकिन इस जो पेपर लीक हुआ है नीट का 2024 का, उस मामले में जो आधिकारिक सोर्स जो हमें बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो बहुत जल्द निर्णय लेंगे कि प्रधानमंत्री भी बाहर है देश से तो जैसे ही प्रधानमंत्री। लेकिन अभी देखिए अभी भी जो शीर्ष अधिकारी हैं जो शीर्ष नेता है वो पेपर लीक की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई हैं, कुछ सुधार की आवश्यकता जरूर है, अभी भी ग्रेस मार्क्स की बात की जा रही है, लेकिन पेपर लीक हुआ है ये एड्रेस नहीं कर रहे हैं। तो जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में वो 8 तारीख को होगी, तो उसके बाद क्या डिसीजन होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है, जो सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि रद्द किया जा सकता है ये परीक्षा, इससे जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए वही बात मैं बता रहा था कि जो आधिकारिक सोर्सेज जो है हमारे उनके तरफ से ये जानकारी दी गई है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो बिहार पुलिस के जो इकाई है, जांच एजेंसी है, आर्थिक अपराध इकाई जिसे हम ईओयू कहते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, उनके जांच से सहमत हैं और धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर पर कहा कि आप अपनी जाँच जो है वो आगे और बेहतर तरीके से कीजिए, सही दिशा में जाँच आपकी जा रही है तो उसे और बेहतर तरीके से और पुख्ता तरीके से लेकर के आगे बढ़िए। क्योंकि 8 तारीख को इस मामले की सुनवाई भी है तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक अपराध इकाई जो है हर पहलू को सुप्रीम कोर्ट में भी रखेगा और चूंकि हमने पहले कहा कि प्रधानमंत्री चूंकि बाहर हैं तो जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे तो धर्मेंद्र प्रधान ने जो बातें चाहे एनडीए से उन्होंने जानकारी हासिल की या बिहार के आर्थिक अपराध इकाई यूनिट से हासिल की वो तमाम जानकारी जो है प्रधानमंत्री से साझा करेंगे और फिर आगे जो निर्णय है वो धर्मेंद्र प्रधान को ही लेना है। और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पूरी संभावना है कि नीट का जो पेपर है वो रद्द होगा और बच्चों के जो भविष्य हैं उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया देना चाहती है सरकार, केंद्र सरकार। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो पेपर है वो रद्द हो सकता है, ये बातें कही जा रही है आधिकारिक सोर्सेज के हिसाब से। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ये निर्णय लेते हैं तो फिर एनटीए जो है इस पर इंप्लीमेंट करेगी, मोहर लगाएगी और वो खबर भी जो है हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्या सिर्फ ये बिहार से ही तार जुड़ा हुआ है, तो इसकी जाँच जो है वो आर्थिक अपराध इकाई लगातार कर रही है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में जो सिकंदर हैं या फिर बाकी जो दूसरे लोग इसमें शामिल थे, अमित आनंद हों या फिर नीतीश कुमार हों, तो ये तमाम जो लोग हैं वो सिर्फ एक मोहरा है, आका जो है वो कहीं और बैठा है और वहाँ से व्हाट्सएप के जरिए ये पेपर जो है वो इन लोगों के पास भेजा और उसके बाद इसके आंसर शीट भी मुहैया कराया गया। ठीक है, ठीक है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, देखिए नीट पेपर लीक मामला, परीक्षार्थी आयुष और उनके अभिभावकों ने गुनाह को स्वीकार कर लिया है और देखिए पटना पुलिस को दिए बयान में अपना गुनाह स्वीकार करा है और परीक्षा से पहले नीट के प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए गए थे, ये बात उन्होंने कबूला है। जो प्रश्न पत्र रात में रटवाए गए थे सुबह परीक्षा में वही प्रश्न आए थे। आयुष ने कहा है कि पापा फोन कर कोटा से उनको बुलाया पापा ने और आयुष के पिता अखिलेश कुमार ने भी अपने स्वीकृत बयान में अपना अपराध जो है वो स्वीकारा है। अखिलेश कुमार ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि सिकंदर ने कहा था कि 40 लाख लगेगा, सब सेट है, बेटा परीक्षा पास कर जाएगा। नीट पेपर लीक कांड का यह मामला, आपको देखिए पुलिस सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी बता रहे हैं। ईओयू के निशाने पर आए दो सेटर अतुल वत्स और अंशुल सिंह है सेटर, दोनों सेटर वैशाली जिले के रहने वाले हैं। अनुसंधान के दौरान दोनों के नाम सामने आए। ईओयू फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है और दोनों के शह पर ही अमित आनंद और नीतीश कुमार बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा में सेटर का काम किया करता है, तो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को मोटी रकम लेकर के पास करवाने का ये लोग काम करते हैं और इस तरीके से ये नेक्सस चलता है। देखिए नीतीश कुमार ने भी कबूल कर लिया है अपने गुनाह को और सिकंदर प्रसाद यदुवंदु के साथ में इनकी दोस्ती थी, ये भी बात उन्होंने कबूला है और किस तरीके से ये पेपर लीक करवाते थे और कितना ये लोग रकम वसूलते थे इसकी भी बात उन्होंने कबूल किया है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 30 से 32 लाख में सेटिंग की थी इन्होंने।
नीट परीक्षा पर विपक्ष के सवाल पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा है उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नीट को लेकर तेजस्वी पर जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब आरजेडी को देना चाहिए। इसकी जांच प्रक्रिया चल रही है और राष्ट्रीय जनता दल को जवाब देना चाहिए। जो प्रश्न कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने उठाया उसका जवाब देना चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो पद के लिए पैर पकड़ने वाले लोगों में नहीं है। विजय सिन्हा ने कहा कि वो सम्मान के लिए स्वाभिमान नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सोने का चम्मच लेकर के जन्म लिए हैं और हवा में उड़ने वाले लोग धरातल पर टिक नहीं पाते हैं। मनोज झा जी का विद्वान आदमी है, उनकी विद्वता प्रकट होते रहती है, लेकिन मैं बता दूं कि पद के लिए पैर पकड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग सम्मान के लिए स्वाभिमान छोड़ने वाले नहीं हैं और सामाजिक ताना बाना में जातीय उन्माद पैदा करने की मानसिकता जिस राजद के गोद में बैठकर वो ग्रहण किए हैं उससे मुक्त हो जाए। बंधुआ मजदूरी करने वाले लोग न समाज के हितैषी हैं न राष्ट्र के हितैषी हैं। सच को स्वीकारने की ताकत रखें। नीट परीक्षा धांधली को लेकर के आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार सरकार की ओर से गंभीर आरोप जिस तरीके से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ लगाए जा रहे हैं उसने बिहार की सियासत को बेहद गर्मा दिया है। तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। देश की प्रतिष्ठित मेडिकल की परीक्षा नीट में धांधली का खुलासा आए दिन हो रहा है। जांच के नए दायरे बढ़ रहे हैं तो परीक्षा में धांधली को लेकर सियासत भी बेहद तेज है। आरोप प्रत्यारोप के बीच नीट परीक्षा का मामला उलझता जा रहा है। बिहार सरकार की ओर से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बेहद गंभीर आरोप आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर लगाया है। गुरुवार को विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आरोपी सिकंदर यादवेंदु का संबंध तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम से है, उसी ने दबाव डालकर गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराया था। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। विजय सिन्हा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदीप कुमार को भी सामने लाया। प्रदीप पथ निर्माण विभाग के कर्मचारी हैं। इन्हीं के मोबाइल पर तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने एनएचएआई के गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था, वो भी नियम का पालन किए बगैर। इसके लिए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को भी सस्पेंड किया गया है। प्रीतम जी ने हमको फोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए, फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। नीट परीक्षा में हुई धांधली पर बीजेपी के गंभीर आरोपों पर आरजेडी के नेता हमलावर हैं। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बेवजह मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। 25 लाख छात्र नीट से प्रभावित हुए, वो परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, ये सीधा सा सवाल है। इसमें तेजस्वी यादव का नाम घुसेरने की कोशिश करना ये उनका अल्प ज्ञान भी दर्शाता है। 1 नंबर 2 नंबर का डिप्टी से भी लड़ाई है। 1 नंबर वाला का फोटो आनंद का छपा हुआ है, उसकी माँ उपाध्यक्ष है, तो डिप्टी सीएम जो 2 नंबर वाले 1 नंबर पर हमला कर रहे हैं अप्रत्यक्ष तौर पर। पहले तो कहा 40 नंबर का लेटर नंबर है, मंत्री सेल है, तो पता नहीं कौन है। अब चुपचाप है, अब बोल रहा है कर्मचारी को फोन किया, फोन करने से कुछ बताया क्या? नीट एग्जाम में धांधली को लेकर जिन चारों आरोपियों को ईओयू ने पकड़ा है उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इनमें गया का रहने वाला मास्टरमाइंड नीतीश कुमार, समस्तीपुर का रहने वाला अनुराग यादव,
मुंगेर का अमित आनंद और समस्तीपुर का रहने वाला सिकंदर यादवेंदु शामिल है। वैसे जांच अपनी जगह जारी है, पर आरोपों की झड़ी जिस तरह से बीजेपी की ओर से लगाई जा रही है उसने परीक्षा में हुई धांधली के मुद्दे को बेहद गर्मा दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की ओर से करीब 2000 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में देश भर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे देश में करीब 18 लोकेशंस पर छापेमारी की जा रही है। जेवीएल एग्रो नाम की कंपनी से जुड़े निदेशकों सहित अन्य आरोपियों के लोकेशंस पर छापेमारी जारी है। जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक बिहार के 2 लोकेशन, बनारस के 6 लोकेशन पर और कोलकाता के 5 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।